हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा। तो दोस्तों, कल क्या है सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है तो हमारी वीडियो में बने रहिए और आपको मालूम हो जाएगा कल क्या है और हम आपके लिए किस पे आधारित कहानी लेके आए हैं या पौराणिक जानकारी लेके आए हैं। क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी का त्यौहार, जानिए पौराणिक कथा। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नाग पूजा करने से सांपों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पौराणिक काल से सर्प देवताओं की पूजन की परंपरा है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की आराधना करने से जातकों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि कल 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व है। नाग पंचमी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण रक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नाग पंचमी के दिन इन देवों का करें स्मरण। नाग पंचमी के दिन जिन नाग देवों का स्मरण कर पूजा की जाती है उन नामों में अनंत, वाशुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख हैं। इस दिन घर के दरवाजे पे सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा करें और कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करें। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी, सामग्री, गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी प्रकार किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी पौराणिक कथा नाग पंचमी का त्यौहार कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के यहाँ किस तरह से नाग पंचमी मनाया जाता है या नाग पंचमी की पूजा होती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह की पौराणिक कथाएं या ऐतिहासिक कथाएं और छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें और आप कमेंट करके हमें बताते रहें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।